विलय सीनरी का काम क्या होता है, विलय सीनरी का काम होता है ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, ड्रीम को मैनिफेस्ट करना। ये विलय सीनरी क्या दर्शाता है हमें, विलय सीनरी दर्शाता है एक प्रकार की एक संस्कृति, एक कल्चर, उस कल्चर में प्रॉपर्टी, उस कल्चर के अंदर बेनिफिट, उसमें रिसीविंग एंड सेविंग की क्षमता, मैनिफेस्ट करना, ड्रीम्स को अपने मैनिफेस्ट करना, एक संस्कृति को दर्शाएगा जिसमें हम अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है विलेज का सीनरी। विलेज की सीनरी जो होती है वो ब्लैक कलर के फ्रेम में ही लगाई जाती है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखें, ब्लैक कलर के फ्रेम में, इसको WSW के जोन में या वेस्ट के जोन में लगाई जाएगी। अगर तो सेविंग को बढ़ाना है तो WSW के जोन में लगाएं, W2 W3 पे लगाएं। अगर तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ के लिए या जो कन्वर्जन फैक्टर्स के लिए लगाना है, विश फुलमेंट कन्वर्जन फैक्टर्स के लिए लगाना है, तो W4 W5 की जोन पे लगाएं इसको, ठीक है। WSW मतलब वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर लगा सकते हैं, अगर हमें अपनी सेविंग्स को और अपने क्या बोलते हैं, अपने संचय संचय किया हुआ धन को के लिए, संचित धन की धन के लिए, ठीक है, उसमें हम अपने वेस्ट में WSW में लगाएं, उस केस में सेविंग का जोन होता है वो। और अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी या विश फुलमेंट के लिए चाहिए या जो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उन सब एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो इसको हम वेस्ट में लगाएं। और इसको वॉल पे हैंग किया जाता है, ब्लैक कलर के फ्रेम में ये बनता है। शनि इसका प्लैनेट है, अर्थ एलिमेंट से रिलेट करता है। जब विलय सीनरी को लगाएं तो उस केस में लाल रंग के घोड़े साउथ ईस्ट में लगाएं, लाल रंग के घोड़े का एक जोड़ा साउथ ईस्ट में लगाएं, और इसको वेस्ट या साउथ वेस्ट WSW की दोनों ही जोन में इसको लगाया जा सकता है एक बारी में भी, इसको दोनों जोन में एक बारी में भी लगाया जा सकता है इसको। और जो लोग रियल स्टेट से कनेक्ट करते हैं उनको दोनों जोन में लगाना भी चाहिए, जो लोग रियल स्टेट के व्यापार में हैं या रियल स्टेट की एक्टिविटीज करते हैं उनको दोनों जोन में इसको लगाना भी चाहिए।